आसन मारे बन बन फिरे और काना दर्शन ले। नोट करने वाली बात, आसन मारे बन बन फिरे और काना दर्शन ले, पण टूटे बंद खिसे तन काचा जे गुरु गांट नहीं दे। रहता बंदे बहता बंदे और बंदे विषय जंजाल, आपा पर जो दृढ़ कर बंदे तो बंद द्वार न जापे काल। आशा बंदे मनसा बंदे और बंदे तत्व निराशा, अरे मन पवना दोई दृढ़ कर बंदे तो बंदे सहज में आकाशा। कहे गोरख कहे गोरख कौन कहे, कहे गोरख सब नाटक चेटक जंत्र मंत्र व्यवहार में। ये क्या है सब नाटक चेटक, कहे गोरख सब नाटक चेटक जंत्र मंत्र व्यवहार में, सुने देवल पेरा लागे सुने देवल पेरा लागे भाई ते बिरला संसार में। कहां तुम्हारी झोपड़ी और कहां तुम्हारा धाम, अरे किसका वाजो डावड़ा और क्या तुम्हारा नाम। देखिए आप लोग सब रोज सत्संग में जाते हैं। अब चित्तौड़ जिले में क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम, मैं गुजरात साइड की बात कर रहा हूँ। कबीर साहब और गोरखनाथ जी के पंथ या किसी रामानंद जी के समझ लो किसी ईश्वरदास जी केवलदास जी के पंथ के आपस में टकराव करते हैं। गोरख नीचा है कबीर ऊंचा है, कबीर ऊंचा है गोरख नीचा है। ये जो कोई वाद वधे सो बांधू, जो कोई वाद करे सो बांधू, जिन गुर्गम नहीं पाया सतगुरु तो ऐसा देश दिखाया। ये कोई वाद विवाद की जगह नहीं है, किसी संत की निंदा की जगह नहीं है, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की जगह नहीं है। ये सत्संग है, ये समुद्र है, क्षीर समुद्र, विष्णु भगवान जहाँ पहुंचते हैं वो क्षीर समुद्र है। ये बैकुंठ है, ये इंद्र की अमरावती है, ब्रह्मा जी का बैकुंठ है, और ये पवित्र धरती एक ही जाजम है और उस पे संतों का बसेरा है। और संत नहीं होते ना तो आकाश से अंगार जर जर के ये संसार जल के मर जाता है इतने दिन। तो कहां तुम्हारी झोपड़ी और कहां तुम्हारा दाम, किसका वाजो डावड़ा प्रभु क्या तुम्हारा नाम। जोग बट गया तुम्हारा पाताल मेरी झोपड़ी और गगन हमारा धाम, अरे अलख पुरुष का मेडावड़ा और अवधु 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 अवधु। वधु का मतलब जिसका वध हो जाए, जिसको मार मारा जा सकता है, वध हो जाता है जिसका, लेकिन अवधु जो मरता नहीं है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसने जिसे अग्नि जला नहीं सकती, पवन उसे उड़ा नहीं सकता, जल उसे सड़ा नहीं सकता, अवधु यानी आत्मा।
गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के आवे नहीं जावे, मरे नहीं जन्मे, नहीं धूप नहीं छाया, हे अवधू मैं तो ऐसा अनगढ़ भाया। अनगढ़ क्या है? आत्मा। कबीर कौन है? आत्मा। गोरक्ष कौन है? आत्मा। कृष्ण कौन है? आत्मा। राम कौन है? आत्मा। लादूनाथ जी कौन है? आत्मा। कानूडा कौन है? आत्मा। जब सब में एक ही बेटा, सुनने वाला वही है, बोलने वाला वही है, देखने वाला वही है, फिर क्यों ये बीच का झंझट यार? तेरा मेरा क्या है? जब तक तू और मैं हम नहीं हो गए तब तक सत्संग कैसे करोगे? तू और मैं है तब तक तो झगड़ा है, तू तू मैं। अब कहने में हम कह सकते हैं ये साउंड किसका? कानूड़ा कहता है मेरा है। पेटी किसकी? हेमनाथ कहता मेरी है। ढोलक वाला कहता ढोलक मेरी है। तब तक सत्संग कैसे है? लेकिन जब कहेंगे साउंड किसका? हमारा है, हमारा में सब आ गए। पेटी किसकी? हमारी, हम सब हो गए। जब तक हम और भजनकारी, भजन जिसका हम कर रहे हैं, वो भी कहता कि हम नहीं होंगे, तू और मैं जब तक एक नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज कहते हैं अपने आप में मस्त रहो, अपने गगन शिखर में जाके भजन करो, बाहर भटकने से कुछ भी नहीं होता है, तेरा साईं तेरे अंदर है। कहाँ है, कैसे दिखना है उसको? अरे सुन शिखर चढ़ जो मिले नित मेवा, काजू किशमिश अखरोट मगज सब मिले, बादाम पिस्ता कटे। अरे सुन शिखर चढ़ जो मिले नित मेवा, अरे जीव तो मोक्ष जदे ओ ये कर्म तज देवा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे
अपने परमात्मा को याद करें, गणेश जी महाराज से शुरुआत करें दिन की। हे प्रभु आपकी शरण में है, जो भी कर्म करें आप हमें प्रेरणा देना, हम आपके अधीन हैं, जो भी होगा प्रभु हम कुछ नहीं करेंगे, आप करवाएंगे। और रात को जब सोने को जा रहे हैं तब परमात्मा को दुकान की चाबी, या नौकरी कैसे करता है नौकर, ड्राइवर रहता है, गाड़ी की चाबी सेठ को शाम को देके आता, सब घर जाए, अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सेठ की निगरानी में काम हो रहा है, आपके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं हुआ। और नींद में तो कुछ होता ही नहीं, वापस सुबह उठे 5 बजे भगवान को बोला प्रभु गजानन जी महाराज रिद्धि सिद्धि लेन पदार्थ जो धन पर हो रहा राग जो अच्छो काम करा जो रात में हुए दान भगवान की दो जो आप की दो मैं तो आपने सुबीस कियो आज रे बरान बजे मुझे लूटी भाई वो मेरी कोई घर की गलती नहीं। तो वट दसवा जाके बाज ढोल गुरेवा गगन के रूप है, उस परमात्मा का स्वरूप जिसको हम रोज विनाश कर रहे हैं उसका रूकड़ा की जड़ गोड़ में बैठ रूकड़ा की जड़ काटा तो आप तावड़े वेवा वाला हा तो वो मूल कहां है गुरु गोरखनाथ जी महाराज समझा रहे हैं। अरे लिंग भंग के बीच रूप साई का माने नहीं कर्म की शंका
दुख भंजे। करता है जितने भी मनुष्य बैठे हैं हम उन सब में एक ही परमात्मा का वास है। तो फिर इतने मंदिर हो गए, ये सब मंदिर ही हैं, सब में भगवान बैठा तो सभी मंदिर, किस मंदिर की सेवा करें, पूजा ही। सृष्टि में कितने अमेरिका से लेके अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कितने लोग हैं इंसान, उनकी सबकी सब पूजा कर नहीं सकते, सबके दर्शन हम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, कि जो सब कर सकते हैं सबका एक साथ, विश्व में जितने लोग हैं उनसे हम मिल सकते हैं एक ही बार, एक जन्म में नहीं ना। तो फिर कैसे भगवान को ढूंढें, किस मंदिर में भोग देवें तो हमारा कल्याण हो जाएगा, प्रश्न उठता है। तो सवाल ये है कि जोशी साहब लापसी को पायो काटा, लापसी रंदा हवा मणकड़ाव में एक क्विंटल 50 किलो, तो लापसी को एक कण दबान देखा, आपको मात काल में पूरी लापसी ने देखा एक कण। तो इसी प्रकार इस संसार रूपी कड़ाव में से एक कण चुन लो, लादूनाथ जी पसंद आ गए मेरे को, बस मैं तो इसको परमात्मा समझूंगा, लादूनाथ जी महाराज का चरण पकड़ लो काटा, मैंने कहा तो भक्ति को रास्ता बताओ, चाहे वो समझता है नहीं समझता उसकी व्यवस्था परमात्मा करेगा, तू तो स्थिर हो, स्थिर होके देख। इसलिए ये गुरु शिष्य की परंपरा बनाई, एक साधे सब सदे और सब साधे तो सब जाए, कभी कबीर पंथ में घुस गए, कभी गोरख पंथ में घुस गए, कभी राम वो उसमें घुस गए, कभी उसमें घुस गए, कौन गुरु बिना ज्ञान जगत नहीं जाने, माइला का सांसा कुण मेटे है ओ राज, सामरत गुरु सारा ही सांसा मेटे ने, अधूरा तो दूना उड़ जावे है ओ राज, गुरु करना तो जोइन करना, रामसा पीर महाराज को रामदेव जी महाराज ने फरमाया। तो एक कण में दबान देख लेना लापसी हीज गई, इस तरह से एक बोलो वो गुरु गेरा, गुरु बावरा, गुरु पूरा हो चाहे गुरु बावरा हो, पागल फिर भी गुरु देवन का देव, गुरु से चेला यूं बड़े करे गुरु चरण की सेव। रामानंद जी महाराज इतने पहुंचे हुए महात्मा नहीं थे, लेकिन कबीर साहब ने उनको परमात्मा समझ लिया, गुरु समझ लिया ना, तो कबीर साहब का कल्याण हो। और मच्छिंद्रनाथ जी महाराज से तो गोरखनाथ जी आगे बढ़ गए, कैसे गुरु की सेवा की, उनकी को प्रसन्न किया, इसलिए गुरु के लिए आंख निकाल के दे दिए दही बड़े के लिए, ऐसे गुरु शिष्य गोरखनाथ जी महाराज उत्तम शिष्य। तो अबे तो अबे मनक जनक पाचो नहीं मिले तो गुरु की सेवा बताइए, गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कहां करनी है, गुरु की सेवा करनी तो कहां करनी, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान किसका करना चाहिए, गुरु की मूर्ति का, पूजा किसकी करनी चाहिए, संसार में सार बताया है, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरण की, मंत्र क्या है, कौन सा मंत्र जपना है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु ने जो भी कहा, ऊंट का मिंगड़ा भैंस का सिंगड़ा जा बेटा बच, तो ऊंट का मिंगड़ा भैंस का सिंगड़ा किसी को संजीवन कर सकता मरे हुए, गुरु ने दिया है ना तो वो अटेस्टेड है, रजिस्टर्ड है। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, और मोक्ष चाहिए तो क्या करना है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा के बिना मोक्ष नहीं होता है। अबे कान्यो मान्यो कुर थूचे लो नु गुर भीपियो नारे लेते धर्म, अबे आगो बढ़, ऐसे मोक्ष हो जाएगा नहीं, नेवर। अरे फेर मिलन का नहीं है मनुष्य पद देवा, अरे फेर मिलन रे नहीं है मनुष्य पद देवा, गोरखनाथ चरण की सेवा, ओ जी गुण गावे गोरख।
हर जीवत मोक्ष जदियो ये कर्म तज देवा ये